कि जिनको केवल शाखा चलाना चाहिए था, आज असल में वो लोग देश चला रहे हैं और इसलिए इनसे देश नहीं चल रहा है। बानर के हाथ में अस्तूरा मिल चुका है और जैसे तैसे देश को चलाने की कोशिश चल रही है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। पर उपस्थित भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपंकर जी, मंच पर मौजूद दिल्ली के तमाम शिक्षक बुद्धिजीवीगण, आरवाईए के तमाम नेतागण और देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ चल करके आए शिक्षा रोजगार की बुलंदी के लिए, की मांग के लिए अपनी आवाज़ को रखने के लिए जो आए साथी हैं, आप तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। साथियों, कई राज्यों के नेताओं ने यहाँ बात रखी, महाराष्ट्र में रोजगार की क्या हालत है, पश्चिम बंगाल में क्या है, बिहार में क्या है, झारखंड में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है, और सबको सुन के यही लग रहा है कि इस देश का संकट ये है कि जिनको केवल शाखा चलाना चाहिए था, आज असल में वो लोग देश चला रहे हैं और इसलिए इनसे देश नहीं चल रहा है। बानर के हाथ में अस्तूरा मिल चुका है और जैसे तैसे देश को चलाने की कोशिश चल रही है। हम सब लोग इस बात के गवाह हैं कि मोदी सरकार का जो 9 साल था, ये जो 9 साल है, इस सरकार की नीतियों के चलते आज समूचा हिंदुस्तान छोटे मोटे उद्योग धंधों और नौकरियों के लिए कब्रगाह बन चुका है। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी, कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन, इतने सोच समझ करके ये पॉलिसी लाई गई थी ताकि देश के भीतर जो छोटे उद्योग धंधे हैं, जिसमें देश का एक बहुत बड़ा अनऑर्गेनाइज सेक्टर रोजगार कर रहा है, उसको खत्म किया जा सके। एक बड़ी पॉलिसी के तहत उसको लाया गया। यहाँ कई साथी हमारे हैं जो दिल्ली से सटे हुए इलाके से हैं, छोटे उद्योग धंधे करने वाले हमारे मित्र आए हुए हैं। लोगों ने देखा कि छोटे उद्योग धंधों को नष्ट करके मोदी जी अपने परम मित्रों को जो मुनाफा पहुंचाना चाहते हैं, इसके चलते देश में रोजगार का एक संकट पैदा हुआ। सरकारी नौकरी की अगर बात कीजिए तो सरकार ने तय कर लिया है, क्योंकि संविधान नहीं मानना है, देश पे मनुस्मृति थोपना है, तो सरकारी नौकरी अगर मिलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि आरक्षण देना पड़ेगा। दलित और वंचित तबके के जो लोग हैं वो रेलवे में नौकरी करते रहेंगे, इसलिए कुछ थोड़ा मोड़ा नौकरी हो भी तो सरकारी ना हो, प्राइवेट हो जाए, ताकि जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके बाल बच्चों को हम घुसने ना दें। इस साजिश के चलते निजीकरण चल रहा है और हमने ये भी देखा कि इन तमाम मांगों पर कोई बात न हो, इसलिए देश में तरह तरह के जुमलेबाजी, तरह तरह के और हथकंडे, युवाओं को ये समझाना कि तुम्हारे लिए रोजगार नहीं, हिंदू धर्म मुद्दा है वो खतरे में, उसके लिए लगो, ये जो साजिश है इसको हम लोग को समझना चाहिए। और केवल आपके मुद्दों को गायब कर देने के लिए ही दंगे फसाद हो रहे हैं, ये भी बात पूरी तरीके से सही नहीं है, बल्कि दंगा फसाद करना भी, देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, उसके माध्यम से ध्रुवीकरण करना और एक खास विचारधारा को, एक खास नफरत की परिभाषा को समाज पे थोप देना, ये एक बड़ी साजिश चल रही है। और आरवाईए का ये जो अभियान लंबा चला, जिसमें आप लोग गांव तक गए, गांवों में किसानों के बीच, नौजवानों के बीच जो मीटिंग चली, उसके कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखे कि किस तरीके से गांव में जाकर के वहां का सांप्रदायिक माहौल मजबूत रहे और युवाओं की मांग को लेकर के एक संघर्ष हो, ये देश के आम नौजवानों की चाहत है और उस चाहत को लेकर के यहां एक जुटान है, एक कार्यक्रम है, ये देख करके एक सुखद अनुभूति हो रही है। और बहुत साफ और बहुत बढ़िया नारा आप लोग के इस कार्यक्रम का है,
कि मोदी जी मुद्दा मत भटकाओ, रोजगार कहाँ है ये बताओ। तो इस मांग को लेकर के जब देश के सामने नई सरकार को चुनने की चुनौती है, नई सरकार चुनने का मौका हमारे पास है, तो निश्चित तौर से RYA और देश के तमाम नौजवानों का ये प्रयास होना चाहिए कि देश का अमन चैन कायम रहे, न्याय का झंडा बुलंद रहे, युवाओं को रोजगार मिले, बच्चों को शिक्षा मिले। और शिक्षा का मामला इस समय काफी महत्वपूर्ण हो चुका है। अभी हमारे साथी जितेंद्र मीणा जी यहाँ कह रहे थे कि NEP को लेकर के सरकार क्या क्या कह रही है। हम लोग बिहार में हैं और बिहार में इस साल से ग्रेजुएशन की जो पढ़ाई है 4 साल का कर दिया गया है, उसका एडमिशन चल रहा है। और बिहार का जो बच्चा इस बार एडमिशन लेने जा रहा है कॉलेज के अंदर, वो एकदम चौंका हुआ है, क्योंकि पिछले साल तक जब 3 साल का कोर्स था, भले ही वो 3 साल का कोर्स 5 साल में होता था, अभी 4 साल का हो रहा है तो पता नहीं कितना साल लग जाए, 8 साल लग जाए या कितना लग जाए, लेकिन 3 साल के कोर्स में फीस था सिर्फ 6,000। अब जब 4 साल का हुआ है तो फीस को बढ़ा करके कर दिया गया है 45,000। फिर जो 6,000 को बढ़ा करके 45,000 हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि सरकार के पास पैसे नहीं है, पैसे तो अथाह हैं। मोदी जी ने अपने इवेंट्स में कितने खर्च किए, अपने मित्रों को कितना पैसा दिया, इसका हिसाब किताब अगर देखिए तो देश के सारे विश्वविद्यालय जो हैं वो 20 साल तक फ्री में चल सकते थे, इतना पैसा तो इवेंट में सिर्फ मोदी जी ने खर्च किया है अपना। तो पैसा सरकार के पास है, नीयत का मामला है। और नीयत फिर से वही है कि आरक्षण के चलते, तमाम आंदोलनों के चलते, शिक्षा का जो एक लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया चली देश के अंदर, तो गरीबों के बच्चे भी यूनिवर्सिटी पहुंचने लगे, कॉलेज पहुंचने लगे, लेक्चरर होने लगे। तो अब इनको नहीं आने देना है, इनके लिए इस विश्वविद्यालय का दरवाज़ा बंद कर देना है। तो सबसे बढ़िया रास्ता यही है कि फीस का दरवाज़ा लगा दीजिए, वहाँ पर गरीब लोग आएगा ही नहीं, युवा लोग आएंगे ही नहीं। तो शिक्षा को छीन करके, युवाओं से रोजगार को छीन करके असल में सरकार करना क्या चाह रही है? कई बार हम लोग सुनते हैं कि देश जो है युवाओं का देश है और युवाओं के का भविष्य जो है वही देश का भविष्य है, सबसे बड़ा वोट बैंक भी युवा है। तो फिर मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि नौजवानों के ही शिक्षा को, उनके ही रोजगार को चौपट किया जा रहा है? तो बहुत साफ है कि मोदी जी विदेश के दौरा के समय जापान में जब एक उद्योगपतियों की बैठक कर रहे थे तो उन्होंने उसमें कहा था कि आप लोग हिंदुस्तान आइए, हम दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर आपको देंगे। तो जाहिर सी बात है कि आज सरकार युवाओं को रोजगार से वंचित करके, रोजगार के अवसरों को कुचल करके उनको सस्ता मजदूर बनाना चाहती है। और RYA का ये ऐलान है, हम सबका ये ऐलान है कि हम सस्ता मजदूर नहीं बनेंगे, हम सम्मानजनक रोजगार लेंगे, नियमित वेतन वाला रोजगार लेंगे और रोजगार के तमाम जो अलग अलग मौके हैं उन सब की मांग के साथ युवाओं का आंदोलन करेंगे। और 2024 का जो सबसे बड़ा एजेंडा होगा वो रोजगार होगा, वो युवाओं का सवाल होगा, उसी पे चुनाव होगा। और इस सरकार ने उसके साथ चूंकि गद्दारी की है तो इस सरकार को निश्चित तौर से गद्दी से उतरना होगा। युवा जो हैं इसको खदेड़ के मानेंगे, ये हमने तय किया है। और ये आंदोलन की एक तरह की शुरुआत, आज ये जो संसद लगा है युवा संसद, इसके बाद ग्रामीण इलाकों में दोबारा से जा करके नौजवानों को और तमाम सवालों को जोड़ते हुए हम इकट्ठा करेंगे और इस सरकार के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन को हम लोग और तेज करेंगे। इसी के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। तमाम साथियों को इनकलाब जिंदाबाद।